इरिडियम जो लियो ऑब्जर्व, जो लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन है। हुआ ये कि 1990 में, इसके पहले किसी ने ये सोचा नहीं था, मोटरोला आता है एफसीसी के पास। एफसीसी क्या है? फेडरल कम्युनिकेशन जो एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स में, उनके पास आते हैं ये और ये कहते हैं हमको परमिशन दीजिए 77 लो ऑर्बिट सैटेलाइट, लियो सैटेलाइट हम भेजना चाहेंगे, इरिडियम प्रोजेक्ट है। 77 क्यों बोला? 77 इसलिए हो गया क्योंकि इरिडियम एलिमेंट जो है वो 77 नंबर है उसका। उसके बाद थोड़ा रिविजन हुआ इसका तो 77 की जगह 67 सैटेलाइट हो गए और इस प्रोजेक्ट को फिर से दोबारा नाम दिया गया डिस्प्रोजियम क्योंकि ये एलिमेंट 66 है। अब आइडिया इतना जोर के फैला लोगों के बीच में और अलग अलग जो कॉम्पिटिटर्स थे, तो आइडिया इनका ये था कि हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही एक सैटेलाइट, जैसे हम यहां पर ये अर्थ मान लीजिए, जैसे ही एक सैटेलाइट, क्योंकि 15-20 मिनट में, आधे घंटे में सैटेलाइट एकदम जगह छोड़ देता है क्योंकि बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है, तो जैसे ही ये चला जाए दूसरा सैटेलाइट इसकी जगह ले दे, ये आइडिया था। इसलिए इतने सारे सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ी। 1998 नवंबर में ये इरिडियम की सर्विस शुरू हो गई। बट हुआ ये कि जब तक ये समय आया, 1990 में इन्होंने कहा कि हम करना चाहेंगे, 1998 में सर्विस शुरू हुई, है ना, 7-8 साल लग गए। लेकिन इस दरमियान जो मोबाइल फोन नेटवर्क है उसमें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, यानी मोबाइल यूजर्स बहुत सारे बढ़ गए। तो कौन ये सैटेलाइट टेलीफोन यूज करेगा? तो कमर्शियली अगर देखा जाए तो डिमांड इसकी कम थी, तो इरिडियम जो प्रोजेक्ट था वो पहले शुरुआती दौर में, या कहेंगे प्रॉफिटेबल नहीं रहा, नुकसान हो गया जिन लोगों ने, मोटरोला को नुकसान हो गया, तो इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया अगस्त 1999 में। जो सैटेलाइट थे आप देखिए, $5 बिलियन, बिलियन कितना होता है, और ये इन्होंने कौड़ी के भाव में 25 मिलियन, केवल 25 मिलियन में बेच दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हर अच्छी चीज जो होती है जब हम उसकी शुरुआत करते हैं और बड़े अच्छे मन से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल भी मिलता है। इरिडियम के साथ भी यही हुआ। मार्च 2001 में इसकी दोबारा शुरुआत हुई और अब इरिडियम वॉइस, डेटा, पेजिंग, फैक्स, नेविगेशन, ये सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। चाहे आप जमीन पे हो, चाहे आप हवा में हो, चाहे आप जल में हो, यानी आप महासागरों में हो, एक हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग जिसे हम सैटेलाइट डिवाइस कहते हैं वो डायरेक्टली इन इरिडियम से, ये एक इरिडियम सैटेलाइट है, उनसे बात करता है। तो कस्टमर इसके बहुत सारे हैं, चाहे आप मैरिटाइम के बारे में बात करें जो पानी के जहाज हैं, हवाई जहाजों के बारे में बात करें जो कि एविएशन है, और ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज, यहां तक कि जो लोग जहां पर उस तरीके की मैपिंग या फिर नेविगेशन उपलब्ध नहीं है वो भी इरिडियम प्रोजेक्ट या इरिडियम का यूज करते हैं। इरिडियम में अगर डिस्टेंस देखा जाए तो अर्थ से इनका डिस्टेंस है तकरीबन 607 किलोमीटर और इनका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर पोलर ऑर्बिट है। सर्कुलर पोलर ऑर्बिट मतलब पोलर भी, पोल भी कवर करेंगे। अभी मैं अगला जो बताऊंगा ग्लोबल स्टार, उसमें आप देखेंगे पोलर नहीं है वो, तो सर्कुलर है, पोलर ऑर्बिट है। और हर एक सैटेलाइट देखिए ये 32-32 का डिस्टेंस है, हर एक सैटेलाइट जो है वो 32 डिग्री लैटिट्यूड मतलब होता है जो लेटी हुई लाइन है उस पर है हर एक सैटेलाइट। इसमें तकरीबन 48 इतने स्पॉट बीम्स है। स्पॉट बीम्स का मतलब ये होता है कि अगर ये सैटेलाइट है तो कितना वो स्पॉट कवर कर सकता है। और इसकी कैपेसिटी अगर दूर संचार या कम्युनिकेशन लेंथ पे देखें तो 3840 चैनल्स हैं। कई इसमें पेजिंग और नेविगेशन के लिए यूज किए जाते हैं और कई सारे इसमें वॉइस और डेटा के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे गले में आप माला पहनते हैं ना, महिलाओं को आपने देखा होगा तो गले में यूं माला पहनी और उसमें वो मोती पिरोते हैं, तो ये जो मोती पिरोते हैं ना, इस तरीके का पूरा कवरिंग है जो आप यहां पर भी देख रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से होता है कि मान लीजिए यहां पर एक नॉर्थ पोल पे कोई आदमी है जो साउथ पोल पे बात करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? अगर नॉर्थ पोल पे है तो वो सीधा पहले बात करेगा सैटेलाइट पे जो ओवरहेड होगा उसके पास, उसके सर के ऊपर जो होगा। अब हर एक सैटेलाइट, यहां पर एक सैटेलाइट देखिए, इसके 4 नेबर है, 1, 2, 3, 4 चार नेबर है। 2 तो इसके सेम नेकलेस में है, ये सेम नेकलेस हो गया। 2 जो है इसके ये दूसरे नेकलेसेस में, नेकलेस मतलब हार पे है। जो सैटेलाइट है वो फिर क्या करेगा, ये जो ग्रिड है वहां पर रिले करेगा, क्योंकि सैटेलाइट यहां से ये ग्रिड पे रिले करेगा ऐसे। और फाइनली यहां पर जो आदमी होगा, यानी कि जो साउथ पोल पे आदमी होगा, वो उसको कम्युनिकेशन मिलेगा और ये इस तरीके से बात करते हैं। ये थोड़ा सा अंडरलाइंग आइडिया है इरिडियम का।